अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से। तो आज हमारी सर्जरी की क्लास है, और जिस तरह की आप लोग को पता है कि हम नाचंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आज नाचंग सिटी में जो बड़ा हॉस्पिटल है उधर हमारी सर्जरी की क्लास है, और ये सब स्टूडेंट जो है ना उठे हुए डॉक्टर साहब। सो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो आप लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो आइए हमारे साथ रहिए। और ये जो है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसे रही? डॉक्टर साहब, बात ऐसे है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है। आपको पता है कि इल्म हासिल करने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानियां भी होती हैं एजाज साहब। तो सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता है MBBS की फील्ड है, तो रात को 9 बजे तक क्लासेस होती हैं, फिर सुबह उठना, नाश्ता बनाना, आपको पता है कुकिंग की परदेश में खुद करनी पड़ती है, तो बहुत सारी मुश्किलात लाहक है हमें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इन सारी मुश्किलात के पुल को पार करके और सर्जरी के लिए जा रहे हैं। और सर्जरी, क्योंकि आपको पता है कि सर्जरी फाइनल ईयर शुरू है, सर्जरी बहुत मस्ट है, और सर्जरी के बगैर तो आपको पता है हम अधूरे हैं। और ये सुबह जल्दी उठना, ये कैसे लग रहा है आपको? ये सुबह जल्दी उठना जी, आपको टू बी ऑनेस्ट बताएं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आजकल सख्ती बहुत है यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे मौसम भी जरा ठंडा है, और गीजर भी मतलब जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो फिर मुश्किलात होती हैं। रूम में लड़के हैं साथ, वो कहते हैं पहले मैं नहाऊंगा, फिर हम कहते हैं पहले मैं नहाऊंगा, इसी तरह ना मसले मसायल हो जाते हैं। ये है डॉक्टर असनैन। असनैन भाई, क्या एक्सपीरियंस है सुबह उठना और हॉस्पिटल जाना, कैसे लग रहा है? काउंसिल से बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो ये चीजें लाजमी करनी पड़ती है उसको जानते हैं, तो कुछ अधूरे ख्वाब छोड़ने पड़ते हैं अपना पूरा ख्वाब करने के लिए। माशाल्लाह खैरियत से पहुंच गए सुबह सुबह हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फोन अलाउ नहीं है, तो यहाँ से हम फोन को बंद करते हैं, बाद में मिलते हैं। क्या सीखा हॉस्पिटल में? इजाज भाई, आज हम ICU में थे, और ICU में हमने 100 पेशेंट्स देखे, उसके बाद कोरोना के पेशेंट्स देखे, और हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी लेवल, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी मेंटेनेंस, और उनकी क्या कहते हैं ऑक्सीजन पाइप वगैरह सारा हमने देखे कि किस तरह उनको फीड किया जाता है मसनू ऑक्सीजन को। तो 90+ एज के भी पेशेंट्स थे, माशाल्लाह सबको उन्होंने बहुत ही मेंटेन लेवल पे रखा हुआ था, माशाल्लाह बहुत वेल मैनर्ड है इनकी हॉस्पिटल, आई एम सेटिस्फाइड।